नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको छठी मैया की कहानी सुना रहे हैं। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। यह एक सुखी और संपन्न परिवार था। बूढ़ी माता छठ मैया की भक्तनी थी। नित्य नियम से वह छठ मैया की पूजा किया करती थी और प्रतिवर्ष घट बनाकर वह माता का व्रत और उत्सव किया करती थी। परंतु उसकी बहू आधुनिक विचारों की पढ़ी लिखी महिला थी। वह इन सब बातों पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करती थी। वह अक्सर अपनी सास को भी समझाती कि मां जी, दुनिया चांद तक पहुंच गई और आप आज भी इन्हीं ढकोसलों को पकड़कर बैठी हैं। परंतु बुढ़िया पर उसकी इस बात का कोई असर नहीं होता था। उल्टा वह अपनी बहू को समझाती कि देखो बेटा, छठ माता बहुत ही महिमा वाली है। इनकी पूजा कभी भी निरर्थक नहीं जाती। मेरी शादी के बाद कई सालों तक मुझे कोई संतान नहीं हुई, तो मैंने छठ माता की पूजा शुरू की और व्रत करती थी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे पति मुझे मिले। अतः मैं तुम्हें भी कहती हूँ कि तू भी छठ माता की पूजा किया कर, माता तुम्हारी भी गोद भर देंगी। परंतु बहू पर उसकी इस बात का कोई असर नहीं होता। वह कहती कि मुझे किस चीज़ की कमी है, अच्छा पति है, अच्छा घर है, परिवार है, मुझे इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार छठ माता का पर्व आया, बुढ़िया ने व्रत किया और बेटे को पूजा का सामान लाने को कहा। तो बेटा पूजा और हवन का सामान ला रहा था, वह आम की लकड़ी भी लाया। बहू यह सब देखकर हंसने लगी और बोली, क्या जी, आप भी कहाँ इन बातों में उलझे हो, ये सब बेकार के काम है। तब बेटे ने बहू को समझाया कि ऐसा नहीं कहते, हमें इन सब बातों में अपनी आस्था रखनी चाहिए और अपनी देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें भी माँ का हाथ बटाना चाहिए। परंतु बहू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तब वह नदी के तट पर छठ मैया का घट बनाने चला गया। बूढ़ी माता भी वहां जाकर पूजा की तैयारी करने लगी। बेटा घर आकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपने लगा। इस पर बहू गुस्सा करने लगी कि ये क्या पाखंड है, पूरे घर में बदबू फैल गई। बेटे ने समझाया कि इससे घर पवित्र होता है और विषैले कीटाणु भी मरते हैं, घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। लीपने का काम खत्म कर वह बहू से बोला कि मैं नदी तट पर माँ के साथ पूजा करने जा रहा हूँ, तुम भी चलो साथ। बहू यह सोचकर चल दी कि चलो मेला ही देख लेंगे। और वहाँ पहुँचकर वह बेटे के साथ ना रहकर इधर उधर घूमकर मेला देखने लगी और हलवाई की दुकान पर तरह तरह के पकवानों का आनंद लेने लगी। बेटे ने उसे ढूंढकर पूजा में बैठने को कहा, परंतु उसने मना कर दिया। छठ माता ने बहू को सबक सिखाने के लिए उसके पति को पानी में डुबो दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। बहू भी यह सब देखकर दुखी हुई। बूढ़ी माता रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि हे माँ, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आपने मेरी गोद सुनी कर दी। माँ होकर आप कैसे एक माँ से उसके बेटे को अलग कर सकती हैं। हे माँ, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई हो उसे क्षमा करो माँ, और मेरा बेटा मुझे लौटा दो। बूढ़ी माँ के साथ साथ सभी गांव वाले प्रार्थना कर रहे थे। अब तक तो बहू भी माँ की महिमा को समझ चुकी थी और हाथ जोड़कर बोली कि हे माँ, मेरे पति को लौटा दो, मैं वादा करती हूँ आपका व्रत हर वर्ष करूँगी। तब माता दयाल हो गई और पानी की एक लहर के साथ बुढ़िया का बेटा बाहर आ गया। सभी ने माता का धन्यवाद किया। बोलिए छठ मैया की जय। दोस्तों, ये थी आज छठ मैया की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।